हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल में। और आज हम देखने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है और उसी के 5 ट्रिक्स जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे वीडियो के नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमको जाना है दोस्तों डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको सर्च ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पे हमको टाइप करना है वर्ड WORD। वर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड 2013 का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। मेरे पास 2013 का वर्जन है दोस्तों। अगर आपके पास 2007 है या 2010 है, कोई भी वर्जन रहेगा, आप इसी तरीके से उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक कर देता हूँ। सिंगल क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वर्ड फाइल ओपन हो चुकी है। ये था अपना पहला ट्रिक। इसके बाद हम देखने वाले दूसरा ट्रिक को स्टार्ट करने के पहले हम जाएंगे सर्च ऑप्शन में ही और वहाँ पे हमको टाइप करना है रन RUN। जैसे हम रन टाइप करेंगे तो अपने पास रन कमांड शो हो जाएगी सामने, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ और वहाँ पे मुझे टाइप करना है विन वर्ड जो मेरे पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। उसका स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ WINWORD। विन वर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो या तो आपको ओके का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ इसको और सामने मेरा जो वर्ड फाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये था अपना दूसरा ट्रिक दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करने वाले तीसरे ट्रिक को। क्रिस्टन में जाएंगे और वहाँ पे हमको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का फोल्डर जो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। इस पर मैं जाके उसमें और एक अपने को ऑप्शन सर्च करना है वर्ड 2013 का, जो मेरे पास अभी मैं सर्च करूँगा वर्ड 2013। इसको मैं क्लिक करूँगा तो अपना जो वर्ड 2013 का फाइल है वो ओपन हो चुका है। तो ये था अपना तीसरा ट्रिक दोस्तों। अभी हम देखने वाले चौथा ट्रिक। चौथे ट्रिक के लिए बहुत ही इजी है, हमको उसमें माउस का यूज़ करना है। माउस का जो यूज़ करना है उसके लिए आपको माउस का राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में हमको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पे हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 डॉक्यूमेंट को हमको सर्च करना है। उसी पे हम क्लिक करने के बाद अपना डेस्कटॉप एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा और इसको हमको कुछ नाम देना है फाइल को, जो कि मैं अभी टाइप करूँगा XYZ। मेरा फाइल का मैं नाम ऐसा ही रफ में ऐड कर रहा हूँ, आपका कोई भी नाम रहेगा आप उसमें ऐड कर सकते हो और उसके बाद आपको इस पर एंटर करना है। वो फाइल अपना यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव होने वाला है। अगर आप इसको कहीं और जगह पे सेव करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना चौथा ट्रिक। अभी हम देखने वाले पाँचवें ट्रिक को। पाँचवा ट्रिक जो है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसमें हम माउस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा हमको कीबोर्ड से यूज करना है दोस्तों। आपको तो पता ही है कंप्यूटर में जितना आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे उतना आपका जो काम है वो ईजी हो जाता है और सामने वाले पर आप इम्प्रेशन जमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जाना है हमको कीबोर्ड पे और कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है विंडो की प्रेस। विंडो की के साथ साथ आपको प्रेस करना है R की। आप जैसे प्रेस करोगे तो आपका रन कमांड जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमको सेम विन वर्ड ही टाइप करना है WINWORD। और जैसे हम विन वर्ड टाइप करोगे तो हमको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अपना वर्ड फाइल है जो ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे अपनी 5 ट्रिक्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।